हेलो गाइस, देखिए तो मेरा पीसी बहुत ही लो एंड पीसी है। इसमें देखिए कितना स्मूथली मैं गेम प्ले कर पा रहा हूँ। तो गाइस देखिए, इधर पे बंदा है तो इसको तो मारना पड़ेगा। मैं गन नहीं खरीद पाया आप लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में। तो गाइस देखिए कितना अच्छा स्मूथ चल रहा है। तो गाइस पहले मैं अपना पीसी का स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ, कितना जीबी है, रैम वगैरह कितना है, वो सब मैं दिखा दे रहा हूँ। तो गाइस देखिए परफॉर्मेंस में जाके मेरा सीपीयू देख लीजिए, ये 2 कोर्स का सीपीयू है। एंड मेमोरी मेरा यानी रैम 8 जीबी है, 8 जीबी रैम है मेरा, एसएसडी लगा हुआ है और सीपीयू डुअल कोर है, मतलब सबसे लो वाला सीपीयू है। तो गाइस चलिए इसको लैग कैसे फिक्स करना है वीडियो करते स्टार्ट, तब तक मैं अपना गेम प्ले काट देता हूँ, फिर से आप लोग को चालू करके दिखाएँगे। तो गाइस फर्स्ट आपको करना है स्मूथ गेम प्ले करने के लिए, आपको पीसी का रेजुलेशन सेट करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है, आपके पीसी में अगर ग्राफिक कार्ड नहीं ना तो रेजुलेशन आपको शॉर्ट करना होगा। वीडियो गेम का क्वालिटी थोड़ा घट जाएगा लेकिन आपका गेम प्ले बहुत स्मूथ होगा गाइस। तो चलिए गाइस कैसे करेंगे, तो पहले आपको जाना है, राइट क्लिक करना है और डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आइएगा, तो इधर पे कहाँ गया गाइस, देखिए डिस्प्ले रिजुलेशन। तो डिस्प्ले रिजुलेशन में आपको जाना है, आपका जो रिकमेंडेड होगा, अगर आपका 90 20 x 1080p होगा तो आपको कम कर लेना होगा गाइस। देखिए मेरा रिकमेंडेड मतलब 1080 क्वालिटी है, तब पर भी मैं ये 720 पे गेम प्ले कर रहा हूँ कि मेरा भी लो एंड पीसी है। अगर आपका इतना होगा 1360 x 768 होगा तो इसको भी छोड़ के आप लोग भी 1280 x 720p पे कर लीजिएगा गाइस। इस पे अच्छा गेम स्मूथ गेम प्ले होगा, ऐसा ट्रिक कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा गाइस। तो गाइस ये कर लो, पक्का हम कहते हैं आपका गेम प्ले स्मूथ हो जाएगा। और देन आपका इम्यूलेटर में भी सेटिंग करना होगा गाइस। अगर आपका 4 GB रैम है तो फ्री फायर तो खेलना ही होगा, फ्री फायर मैक्स कभी नहीं चलने वाला। कोई भी वीडियो देख लो सब के सब फेक ही रहेंगे। फ्री फायर मैक्स को खेलने के लिए कम से कम 8 GB रैम रहना चाहिए स्मूथ गेम प्ले करने के लिए। और डुअल कोर प्रोसेसर रहेगा फ्री फायर मैक्स को खेलने के लिए। अगर स्मूथली खेलोगे तो डुअल कोर प्रोसेसर में भी थोड़ा बहुत लैग करेगा। और अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है, डुअल कोर प्रोसेसर है, तो कोई बात नहीं, आपका फ्री फायर मैक्स स्मूथ चलेगा। तो भाई चलिए आपको करना है कि यहाँ पर न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद एंड्रॉयड 7.1 जो वर्जन है उसको नहीं करना है आप लोग को, एंड्रॉयड 5.1 मेंटेनेंस वर्जन इसको आपको बना लेना है। जैसे मैं यहाँ बनाया लिया हूँ तो गाइस देखिए ऐसे क्लिक करना है, लेकिन मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, देखो गाइस। उसके बाद ये एंड्रॉयड 5.1 के इधर सेटिंग में जाना है गाइस। उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद आपको, अगर आपका 8 GB रैम है, अगर आपके पीसी में 8 GB रैम है ना, तो यहाँ पर आप ना 4 GB या फिर 3 GB सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे पीसी में 8 GB रैम है तो गाइस मैं 3 GB सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए मैं अपना रैम को सिलेक्ट कर लिया हूँ 3 GB। और अपने को इधर रेंडर मोड में, मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, थोड़ा सा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है 4 GB रैम का, तो मैं यही OpenGL पे रखा हूँ। अगर आपके पास पूरा सा ग्राफिक कार्ड नहीं है तो DirectX पे रख सकते हैं, लेकिन मैं OpenGL पे ही खेलता हूँ क्योंकि मेरे पीसी में थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, मतलब लो प्रोसेसर वाला ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है। उसके बाद रूट मोड ये सबको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कितना सेलेक्ट किए थे इधर पे, ये 1280 x 720p, तो यही पे सेलेक्ट करना है आपको, इतना पर ही सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपका गेम प्ले स्मूथ नहीं चलेगा। तो गाइस इधर पे आपको 1280 x 720 पे सिलेक्ट कर लिए हैं मैं भी, और आपको ये FPS 60 ही रहने देना है। और ये सबको छेड़छाड़ मत करना है, स्टोरेज को आपको बढ़ा करके आपको 16 GB कर देना है गाइस, 16 GB कर देगा, इसको हाई परफॉर्मेंस पे ही रखने दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल में आसूस ROG को सिलेक्ट करके कस्टोमाइज पर क्लिक कर दीजिएगा गाइस। उसके बाद कस्टोमाइज पर क्लिक करने के बाद ये सबको छेड़छाड़ मत करना, उसके बाद ओके करेंगे, देन अपना इम्यूलेटर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिएगा गाइस आपका गेम प्ले कितना स्मूथ चलेगा। और ये तो गाइस मेरा इम्यूलेटर स्टार्ट हो रहा है, देखिए आप लोग को थोड़ा सा गेम स्टार्ट करके भी दिखा दे रहे हैं।
तो गाइस मेरा नाम हुआ रोशन और आप देख रहे हैं रोशन गेमर यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, एंड और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और जितने पीसी प्लेयर फ्रेंड होंगे ना उनको भी बताइएगा, जो ये वीडियो देखने के लिए उनका लो एंड पीसी होंगे ना। तो देखिए ओपन हो रहा है अपना गेम प्ले, अपना गेम प्ले भी थोड़ा देखना बनता है ना। मैं बहुत दिन पे आज बहुत लेट से वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं गेम को छोड़ दिया था। गाइस ये भाई डाउनलोड कितना हो रहा है। तो गाइस देखिए मैं अपना गेम प्ले करके दिखा दे रहा हूँ आपको। चलो लोन वोल्फ लगाते हैं क्या यार। तो गाइस आप सबके सामने देखिए मैं अपना सेटिंग किया हूँ और गेम प्ले करके दिखा रहा हूँ कितना स्मूथ चलेगा। और एक चीज़ बताना भूल गया गाइस, इन गेम सेंसिटिविटी मतलब इन गेम क्या ग्राफिक रखे हैं वो तो बताना भूल ही गया। चलो कोई नहीं, गेम से निकलेंगे उसके बाद आपको दिखा देंगे मैं कितना रखता हूँ। तो गाइस आजा, बंदे कहाँ गए? अरे आजा यार, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, बहुत दिन पे खेल रहे हैं ना। अरे भाई किधर हो, बोल तो दो। अरे ऐसे कैसे गाइस मार दिया यार, क्या ही ओपी बंदा है। देखिए गाइस मैं ड्रैग नहीं हो पाया, इधर उधर से आ गया ना। तो देखिए गाइस कितना ही स्मूथ गेम प्ले हो रहा है आप लोगों के सामने। देखिए मेरा कितना सारा हुआ सरियल सब प्रोसेसर है, तब पर मैं अच्छा गेम प्ले कर पा रहा हूँ। अरे भाई क्या ही मेरा इंटरनेट चल रहा है भाई। तो गाइस तो चलिए मैं गेम को बैक करके आपको दिखा देता हूँ मैं अपना गेम में ग्राफिक क्या सेटिंग रखे हैं, स्टैंडर्ड अल्ट्रा स्मूथ क्या रखे हैं। तो देखिए मैं तो डिस्प्ले को स्टैंडर्ड पे रखा हूँ, अल्ट्रा पे मैं भी खेलूँगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गेम रिकॉर्डिंग हो रहा है प्लस में गेम प्ले हो रहा है इसलिए नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी स्टैंडर्ड पर ही रहने देता हूँ। तो गाइस कैसी लगी वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।